नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दोस्तों, हर तरफ जब गणपति बप्पा की धूम है तो ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स भला कैसे पीछे रह सकते हैं। ये भी अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने घर पर गणेश जी की स्थापना करते हैं। इस दौरान ये धूमधाम से मंगल मूर्ति की पूजा अर्चना करते हैं। कोई अपनी फिल्म की कामयाबी की प्रार्थना करता है तो कोई अच्छे स्वास्थ्य की। फिल्मों से लेकर टीवी स्टार्स तक गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाते हैं। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं सितारों के गणपति से, जो कहीं ना कहीं आम होकर भी खास हैं। इन दिनों पूरा बॉलीवुड बप्पा के रंग में रंगा हुआ है। सितारों के घर गणपति जी का आगमन हुआ, फिर धूमधाम के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के घर पर गणपति पूजन हुआ, जिसमें बॉलीवुड के कई सितारे शामिल हुए। वहीं सलमान खान के घर और उनकी बहन अर्पिता के घर भी गणेश उत्सव की स्पेशल पूजा रखी गई। और वहीं शिल्पा शेट्टी पर तो सबसे ज्यादा गणेश उत्सव का रंग चढ़ा हुआ है। उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ गणेश उत्सव मनाया और खूब ठुमके भी लगाए। देखिए,
वाकई हमारा बॉलीवुड हर फेस्टिवल को पूरे उत्साह और खुशी के साथ मनाता है, और भाई बप्पा से तो हमारे स्टार्स का खास लगाव है, तभी तो वो हर साल बप्पा को अपने घर लाते हैं और पूरी श्रद्धा से पूरी भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं। और बप्पा भी उन्हें निराश नहीं करते, उन्हें अपना भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो आइए देखते हैं किन किन सितारों के घर बप्पा विराजे हैं। जवाब दे दिया है, वही ब्यूटीफुल सी फीलिंग आती है। ऐसे लगता है पापा अपनी सालाना एक विजिट इस घर को दे रहे हैं, जिनसे जिनसे प्यार करते हैं सबसे मिलने आ रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और सबसे बातें कर रहे हैं, और यहाँ जितने भी लोग बैठ के बताते हैं उनके सामने बैठ के बताते हैं। सो इट्स अ ब्यूटीफुल एटमोसफेयर। बड़ा इनफॉर्मल सा लगता है मुझे ये फेस्टिवल, ऐसा नहीं लगता कि रिचुअल्स हैं और ऐसा सब। तो जिसका जो जैसी श्रद्धा वो वैसे अपना प्यार पापा को देते हैं। पापा मौर्या, घर में तो बहुत सालों से गणपति जी का आगमन होता है, दिलों में भी होने चाहिए, बचपन से ये हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और बिकॉज मैं बॉम्बे से बिलोंग करती हूँ, यहाँ पे तो ये त्यौहार हमेशा मनाया जाता है और मैंने बरकरार रखा है एंड मेरे घर वालों ने इसको बरकरार रखा है। एंड आई एंजॉय दिस फेस्टिवल द मोस्ट। आई एम अ वेरी प्योर बिलीवर दैट गणपति पापा जो हैं उनका जो फॉर्म है वो एक ऐसे फॉर्म है जो हम कोई भी काम करते हैं तो हम कहते हैं श्री गणेश करके हम काम करें। सो ही इज़ द लॉर्ड ऑफ यू नो बिगिनिंग्स, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ द रिमूवल ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, एंड आई थिंक ये बहुत ही स्पेशल। बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं, इतना प्यार देते हैं लोगों को और इतनी पॉजिटिविटी देते हैं, आई थिंक उसका कोई हिसाब नहीं है। और जितना भी आप इनसे मिलें आप हमेशा खुशी अपने घर जाएंगे और हंसते मुस्कुराते और एक पॉजिटिव थॉट के साथ जाएंगे। मेरा अनुभव पर्सनली ये रहा है। बहुत जन ने ये प्रार्थना की है कि रिद्धि सिद्धि की दैवत गणपति पप्पा जो है बता रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वर्षानुवर्ष जो आंकड़े हम लोग सुनते आ रहे हैं कि फलाने इनकी फिल्म जो है वो उसका इतना हो गया, ऐसा हो गया, उनका ये व्यापार हुआ, इनका ये व्यापार हुआ, ये बहुत समय से हम लोग सुनते आ रहे हैं। परंतु अब ऐसा ईश्वर समय दे कि हमें ये क्या कहते हैं वो भोगने का हमें प्रसाद मिलना चाहिए अभी। गणपति बप्पा मौर्या की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और गणेश चतुर्थी की जो छटा है वो देखते ही बन रही है। गणेश उत्सव का बॉलीवुड में खास महत्व रहा है। फिल्मों में गणपति के गानों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटी के घर में भगवान गणेश का अपना खास महत्व रखते हैं। और भाई बॉलीवुड के साथ हमारे टीवी स्टार्स ने भी बप्पा का बड़े ही प्यार से स्वागत किया है। आइए देखते हैं।
जाता हूँ। मुझे याद है कि जब पंजाब में होते थे तो हमेशा फिल्म्स में देखते थे गणपति पूजा करते हुए सब लोग। फिर जब मुंबई आया और मुंबई का बने पहली दफ़ा मैं 2000 में लेकर आया था। 18 साल हो गए हम जब गणपति घर पर लेकर आए और हमेशा जब भी गणपति का इस साल हमारा जो गणपति है बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इस साल हमारे घर में एक नहीं बल्कि दो दो गणपति आए हैं। ये हमारे गणपति का 46th ईयर है, 46 ईयर से हम रख रहे हैं और ये 46th ईयर जो है बहुत ही स्पेशल, हमें आई थिंक कभी भूल नहीं पाएंगे हम इस साल के गणपति को। बेबीज का पहला गणपति है, सो इट्स द मोस्ट स्पेशल। एब्सोल्युटली, और हमारे बेबीज ने इन गणपतियों को चूज़ किया है। चॉइस तो हमारी एक ही थी कि हम एक को लाएंगे, लेकिन उन्होंने दो चूज़ किया तो हमने सोचा कि क्यों ना हम दोनों को लेकर आ जाए। हमें कभी पता नहीं रहता कि क्या थीम रहेगी इस साल, yeah. So, जब हम चूज़ करने जाते तब पता चलता ओके दिस इज़ व्हाट वी शुड ब्रिंग होम। दोनों ने अलग अलग चूज़ किए, सो दोनों को ले जाते। देखो अगर वियना ने जो चूज़ किया है वो एकदम पतले से कली बाल नटखट कृष्णा टाइप, और बेला ने चूज़ किया उसकी टाइप का बाल गणेशा लड्डू जैसा। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।